बीजापुरा पर्व के अवसर पर इस वर्ष 15 सितंबर महापौर एजाज डेबर के द्वारा रायपुर के सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में रायपुर की हर क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित थी। महापौर ने सभी महिलाओं का सम्मान व उपहार वितरण किए। देखिए, तीजापोरा का पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा पर्व है और सबसे पुराना पर्व है। आप सबको पता है कि किस तरीके से माता पार्वती ने व्रत रख के शंकर भगवान को पाया था, तो सभी ये जो त्यौहार है तीजा पर्व का, उसलिए मनाया जाता है हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ में भी। हमारी बहनें कड़ू भात खा के उपास रखती हैं और आज हमने भी तीजा पर्व का त्यौहार यहाँ पर स्टेडियम में मनाने का हमने फैसला लिया है। सभी कोने कोने से हमारी बहनों को आज अपने ससुराल से मायके में उनको बुलाया गया है। मैंने अपने भाषण में भी बात को कही कि आप लोग ये समझिए कि मैं आप सबको मायके में यहाँ पर सबको आमंत्रित किया हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग ससुराल में हैं, सब लोग अपने मायके आए हैं। दिल खोल के डांस करिए, दिल खोल के खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। जिस तरीके से आदमी हमारी बहनें अपने मायके में जाके आराम से लेट उठती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं, बढ़िया आराम करती हैं, तो मेरा कोशिश भी यहाँ पर वही है कि जितनी मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, और मुझे खुशी उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी सवारी भी मेरे साथ में, मेरी पत्नी कुटकी भी मेरे साथ में यहाँ पर आई है। हम सब का, जितनी बहनें आई हैं, हम सब का घूम घूम के सब का अभिवादन कर रहे हैं। उनके साथ में अभी हम खाना खाएंगे, उन सब के लिए हमने गिफ्ट रखा है। तो एक अच्छा प्रयास हम लोग के द्वारा, रायपुर नगर निगम के द्वारा ये किया गया है कि हम सब लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा जो तीजा पर्व है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक जो त्यौहार है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने तीजा की छुट्टी घोषित की है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। मैं तीजा पर्व की जो बहनें नहीं आई हैं, उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।